नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत करती हूँ आपका फिर से मूवीज अड्डा में। जी हाँ, चलिए बात कर लेते हैं बिग बॉस के सीजन 12 के कल के वीकेंड का वार की। जब भी वीकेंड का वार आता है तो जाहिर सी बात है सलमान खान एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर वन, शो में एंट्री होती है फराह खान की, जो कि इससे पहले भी शो की होस्ट रह चुकी है और साथ साथ वो कहीं ना कहीं बिग बॉस की बहुत बड़ी फॉलोअर भी हैं। तो जैसे ही फराह आती हैं, फराह बहुत सारा एंटरटेनमेंट करती हैं, काफी सारे वीडियो क्लिप्स, वो ऑडियो विजुअल क्लिप्स लेकर आती हैं, जिसमें वो दीपिका, दीपक, श्रीसंत, रोमिल काफी लोगों का मजाक उड़ाते हुए नजर आती हैं। थोड़ा बहुत हंसी मजाक का माहौल क्रिएट हो जाता है घर में। उसके साथ साथ फराह खान जो है वो घर के अंदर भी जाती हैं और उसके बाद एक फन टास्क भी करती हैं। नंबर टू, फराह खान की जैसे ही घर में एंट्री होती है वैसे ही जाहिर सी बात है वो सभी कंटेस्टेंट से मिलती हैं, उनसे बातें करती हैं। उसके बाद एक टास्क आता है जहां पर रोमिल और सृष्टि जो है वो अपना चैट शो प्रेजेंट करते हैं। सोमी और दीपक को वो गेरुआ सॉन्ग पर डांस करवाती हैं। उसके साथ साथ बाकी सभी कंटेस्टेंट जो है उनके साथ एक फन गेम खेला जाता है, जहां पर हर कंटेस्टेंट के नाम के आगे एक वर्ड जोड़ा जाता है। जैसे क्रोध अगर सबसे ज्यादा किसी को आता है तो वो श्रीसंत को आता है, जिसलिन को जेलसी का टैग मिलता है। ऐसे करके काफी सारे वो गेम्स खेलती हैं, पर एक गेम के दौरान दीपिका जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जी हाँ, जो टास्क दिया जाता है रोमिल और सृष्टि को, उसमें जब शोएब का नाम लेकर यानी सैया और भैया, श्रीसंत और शोएब को कंपेयर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं दीपिका बहुत ज्यादा हर्ट फील करती है। नंबर थ्री, जैसा कि मैंने कहा, दीपिका बहुत ज्यादा हर्ट फील करती हैं और इस चीज पर दीपिका की बहुत ज्यादा बहस हो जाती है सृष्टि से और रोमिल से, और इस लेवल का गुस्सा दीपिका कक्कड़ के मामले में आज तक कभी किसी भी कंटेस्टेंट ने नहीं देखा होगा, जो कल देखने को मिला। जी हाँ, घर में जिस तरह का माहौल क्रिएट हो गया था, हालांकि फराह जब तक थी घर में तब तक दीपिका ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। जैसे ही फराह वहां से चली गई, जैसे ही रात हुई, तब जाकर दीपिका ने काफी ज्यादा बहस की इस बात पर। काफी ज्यादा वो रोती हुई नजर आई, ये भी कहती हुई नजर आई कि श्रीसंत जो है वो इस शो में मुझसे मिले हैं, मैं उनकी बहन हूं, मैं उन्हें अपना भाई मानती हूं, प्राउड ऑफ इट, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस शो पे लाने का आपका कोई हक नहीं बनता। और ऐसा कुछ काफी कुछ कहकर दीपिका जो है काफी इमोशनल होती हुई नजर आई। नंबर फोर, फिर आता है घर में सुल्तानी अखाड़ा, जहां पर जसलीन और सृष्टि को आमने सामने खड़ा किया जाता है। जहां तक कि घर वालों की भी अगर बात की जाए, तो जब फराह घर में आई थी तो जसलीन को जो है वो जेलसी का फैक्टर और जेलसी का टैग दिया गया और ये कहा गया कि वो सृष्टि से थोड़ा सा जलती है जब सृष्टि रेडी वेडी होकर आती है, या शिवशीष से ज्यादा बातचीत होती थी जब सृष्टि की, तभी भी जसलीन थोड़ा सा जलती थी, और ड्रेसेस के मामले में भी जसलीन काफी जलती है ऐसा कहा गया। हालांकि जब सुल्तानी अखाड़े की बात आई तो जसलीन सुल्तानी अखाड़े को जीत गई और सृष्टि को बीट कर दिया। उसके बाद जब घर वालों के सपोर्ट की बात है तो घर वाले जो है वो सृष्टि को सपोर्ट करते हुए नजर आए। नंबर फाइव, सलमान जो है, सलमान खान सोमी के फैमिली से बात करते हुए नजर आए। जी हाँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक क्रिएट हुआ, सलमान सोमी की फैमिली से बात कर रहे थे, जैसे लास्ट वीक दीपक की फैमिली से बात हुई थी, और वहीं सबा भी हमें देखने को मिली बिग बॉस के एविक्शन के बाद, और सबा काफी हंसी मजाक कर रही थी कि दीपक और सोमी की नोकझोंक जो है वो स्क्रीन पर बहुत क्यूट लगती है। उसी के साथ साथ दीपक के लिए राजस्थानी पगड़ी भिजवाई गई और शगुन के तौर पर मिठाइयां भिजवाई गई, एक हंसी मजाक के जोन में था सब कुछ ऑफकोर्स। और फिर जब एलिमिनेशन की बात आती है तो सलमान ने सभी घर वालों को सरप्राइज किया। पहले तो जसलीन को कहा कि उनको सबसे कम वोट्स मिले हैं, फिर उसके बाद सृष्टि को कहा कि नहीं, उन्हें जसलीन को नहीं बल्कि सृष्टि को सबसे कम वोट्स मिले हैं। और इस तरीके से कुछ हंसी मजाक क्रिएट करते हुए सलमान ने कहा कि क्योंकि कल शिवशीष घर से बाहर गए हैं तो आज किसी का एविक्शन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसा रहा कल का कुछ एपिसोड। आपको कल का एपिसोड कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ आप किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं वो भी हमें कमेंट्स करके डेफिनेटली बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग मूवीज अड्डा।